हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल ट्यूटोरियल प्लैनेट में। ये वीडियो क्लास नाइन्थ वाले के लिए है, इसलिए जो ज़्यादा क्लास में हैं, जिस क्लास के नहीं हैं, वो इस वीडियो को देख करके अनलाइक मत कर देना, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं कि ये नाइन्थ क्लास के लिए इंग्लिश है, फर्स्ट लेसन है। कुछ लोगों के आग्रह पर मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस वीडियो को समझेंगे। इस लेसन को धर्म युद्धा नाम है, धर्म युद्ध, जिसके राइटर हैं अर्जुन देव चरण, ठीक है। तो जिनके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो, जो क्लास नाइन्थ वाले को पढ़ा रहे हों या जो क्लास नाइन्थ में ही हों, उनको शेयर कर दें, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। तो इसके राइटर हैं अर्जुन देव चरण। अर्जुन देव चरण अ टीचर बाय प्रोफेशन, प्रोफेशन से पेशे से वो एक टीचर हैं। इज़ बेसिकली एक पोएट, एक कवि भी हैं, ठीक है। वो बेसिकली एक कवि हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारा नाटक भी लिखा है, तो ये सब उनके नाटक का नाम है, ठीक है। ये सब उनके नाटक का नाम है। और इस लेसन के बारे में है कि ये जो लेसन है धर्म युद्धा, धर्म युद्ध, इज़ द स्टोरी ऑफ पद्मा। ये पद्मा का स्टोरी है, जो एक लड़की का नाम है। अ यंग गर्ल एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स लाइक द रामायणा एंड द महाभारत एटीसी। एक ऐसी यंग गर्ल, एक ऐसी छोटी बच्ची की कहानी है, जो रामायणा और महाभारत जैसे ग्रंथों को देखकर बड़ी हुई है, पढ़ी हुई है, पढ़कर बड़ी हुई है। शी फील्स एग्रीव्ड एंड एगिटेटेड by the uncharitably orthodox attitude of the society towards women. Society का, समाज का, महिलाओं के प्रति जो orthodox attitude है, ठीक है। uncharitably orthodox attitude मतलब ये जो रूढ़िवादी रवैया है, जो महिलाओं को नीचा समझते हैं, महिलाओं का कोई पद नहीं है, महिलाओं की कोई हैसियत नहीं है समाज में, इसको लेकर के वो चिंतित और वो पीड़ित महसूस करती है। She repeatedly questions her parents, वो अपने parents से and her teachers, और अपने शिक्षक से हमेशा repeatedly questions, question करती रहती है, बार बार question करती है, about the rights and the identity of a woman, एक महिला की क्या पहचान है, identity है, और उसके क्या अधिकार हैं, क्या rights हैं, इसके बारे में वो अपने teachers और parents से question करती है। And asks them, और उनसे पूछती है, whether her identity is subject to her marriage, कि उसकी जो पहचान है, महिला की जो पहचान है, उसकी शादी से क्यों जुड़ी हुई है। ऐसा कहते हैं कि महिला की पहचान उसकी शादी से जुड़ी होती है, शादी के बाद ही उसकी असली पहचान का पता चलता है। जैसे किसी भी महिला का अगर शादी हो जाता है हमारे सोसाइटी में, तो उसका टाइटल चेंज हो जाता है, उसका खानदान भी चेंज हो जाता है। वो अब शादी के बाद जिस खानदान में जाती है, वो उस सोसाइटी की हो जाती है। शादी से पहले महिला का कोई पहचान नहीं होता है, ऐसा क्यों है, ठीक है। सोचने वाली बात है, उस बच्ची की, जो बच्ची का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल जायज़ है। जो जैसे कि सपोज दैट, अगर कोई पुरुष शादी नहीं करता है तो हम लोग उसे साधु, संत, महात्मा कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई महिला शादी नहीं करती है तो फिर उसे समाज में हे दृष्टि से, नीच दृष्टि से देखा जाता है, ठीक है। उसके बारे में बुरे भले कहे जाते हैं, तो ऐसा क्यों है, ऐसा हमारे समाज का जो सोच है, ऐसा क्यों है, आखिर क्यों एक महिला का पहचान जो है शादी के बाद ही बनता है, बिना शादी के नहीं। तो चलिए इसी के बारे में वो अपने माँ से क्या बात करती है, उनके पापा से क्या बात करती है, ये हम लोग देखते हैं। पद्मा पूछती है अपने माँ से, मदर, माँ, व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमैन, एक महिला की क्या पहचान है। अब माँ से वो अचानक पूछती है, तो माँ पूछती है, व्हाई डू यू आस्क दैट, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो, तुम ऐसा क्यों पूछती हो। तो पद्मा कहती है, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मैं दूसरों से किस तरह अलग हूँ, किस तरह भिन्न हूँ। तो माँ कहती है, यू आर माई डॉटर, तुम मेरी बेटी हो, आवर ओनली चाइल्ड, मेरी इकलौती बेटी हो, एंड योर फादर्स डार्लिंग, और अपने पापा की डार्लिंग हो, अपने पापा की प्यारी हो। तो पद्मा कहती है, फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी, पापा मुझसे ज़्यादा पैसों से प्यार करते हैं,
इट टेक्स ए हार्ट टू बेस्टो लव, प्यार देने के लिए एक दिल की जरूरत होती है, पैसों की नहीं। तो माँ कहती है फॉर होम डज ही सेव, किसके लिए वो पैसा बचाते हैं, किसके लिए वो पैसा सेव करते हैं। ही डज ऑल दिस ओनली फॉर यू सेक, फॉर योर सेक, वो ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए करते हैं। यू शुडंट थिंक अबाउट आई हैव नो हर्ट, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास दिल नहीं है। तो पद्मा कहती है, बच्ची जो है वो पूछती है, बट आई डिंट से इट ऑफ यू, लेकिन मैंने ऐसा आपसे नहीं कहा, मैंने पापा के लिए कहा। आप तो मुझे प्यार करती हो लेकिन पापा मुझसे ज़्यादा पैसों से प्यार करते हैं। तो मैंने बट आई डिंट से इट ऑफ यू, लेकिन मैंने आपसे ऐसा नहीं किया। माँ को बोल रही है कि मैंने आपसे ऐसा नहीं कहा। तो माँ कहती है आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, मैं उससे किसी तरह अलग नहीं हूँ। मतलब अगर तुमने पापा को ऐसा कहा तो तुमने मुझे कहा। माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विद हिज एंड आई चेरिस्ड द बॉन्ड, मेरी जो पहचान है, माई आइडेंटिटी, मेरी पहचान इज लिंक्ड, ये लिंक है, जुड़ा हुआ है विद हिज, उनसे, उनसे मतलब उनके पति से, तुम्हारे पापा से मेरी पहचान जो है वो मेरा पहचान जुड़ा हुआ है। एंड आई चेरिश द बॉन्ड, एंड वो जो बंधन है मैं उस बंधन को, बंधन में बंधी हुई हूँ और उस बंधन का पालन पोषण करती हूँ, उस बंधन को मैं निभाती हूँ। इंटर पद्माज फादर, तभी पद्मा के पापा इंटर करते हैं, रूम में आते हैं। अब फादर, पापा कहते हैं व्हाट इज़ दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड। पद्माज मदर, पद्मा की माँ, किस बॉन्ड के बारे में बात हो रही है, किस बंधन के बारे में बात हो रही है। माँ कहती है हेयर इज योर फादर, आस्क हिम वाट एवर यू वॉन्ट टू नो। पद्मा ने, माँ ने पद्मा से कहा कि ये तुम्हारे पापा आ गए, आस्क हिम, उनसे पूछो, वाट एवर यू वॉन्ट टू नो, तुम्हें जो भी जानना है उनसे पूछो। फादर, पिताजी बोलते हैं व्हाट्स इट माई चाइल्ड, क्या हुआ मेरे बच्चे। तो माँ ने कहा शी वॉन्ट्स टू नो, वो जानना चाहती है वाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमेन, एक महिला की क्या आइडेंटिटी है, एक महिला की क्या पहचान है। फादर, पापा ने कहा यू विल नो इट डियर, तुम यह जान जाओगी प्रिय, व्हेन यू आर मैरिड, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम खुद जान जाओगे। पद्मा ने कहा डज मैरिज लेड आइडेंटिटी टू ए वोमेन, क्या एक शादी महिला को पहचान दिलाता है। तो माँ ने कहा व्हाट इज़ अ वोमेन विदाउट ए हस्बैंड, एक हस्बैंड के बिना कोई महिला क्या है, कुछ भी नहीं है। तो पद्मा ने कहा व्हाट इफ, क्या हो, वन डज नॉट गेट मैरिड, अगर कोई शादी न करे तो क्या हो। तो माँ ने कहा व्हाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चंस, तुम हमेशा क्यों ये सेंसलेस क्वेश्चंस पूछती रहती हो। ये सेंसलेस मतलब होता है बेकार का क्वेश्चन, जिसमें कोई सेंस, कोई अर्थ न हो, अर्थहीन क्वेश्चन क्यों पूछती हो हमेशा। फिर पद्मा ने कहा व्हाट अबाउट अ वोमेन हुज हस्बैंड इज डेड, अब उस महिला का क्या जिसके पति मर गए हैं। तो माँ ने कहा लाइफ इज हेल फॉर हर, जिंदगी उसके लिए नर्क है। तो पद्मा ने कहा दैट्स इनजस्टिस, ये तो अन्याय है बिल्कुल। हमारे समाज में अगर किसी महिला का पति मर जाता है तो उसे हम लोग पता नहीं क्या क्या कहकर बुलाते हैं, और अधिकतर महिला को तो डायन डायन, बुरी नज़र वाला, बहुत सारा कहा जाता है। तो ये सब अन्याय है हमारे समाज में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो माँ ने कहा यू नीडंट टॉक ऑफ जस्टिस एंड जस्टिस हेयर, तुम्हें यहाँ पर न्याय और अन्याय के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। पद्मा ने कहा व्हाई, क्यों। माँ ने कहा ओवर हेयर वुमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस, यहाँ पर महिलाओं को प्रश्न पूछने की आज़ादी, प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। पद्मा ने कहा व्हाट राइट डू दे हैव देन, उनके पास कौन सा अधिकार है तब, अगर प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है तो कौन सा अधिकार है। तो फादर ने कहा राइट्स आर फॉर इक्वल्स डियर, सबके लिए अधिकार जो है वो इक्वल है, बराबर है। फिर पद्मा ने कहा व्हाई इज अ होम कंसिडर्ड अ प्लेस फॉर बार्गेनिंग, एक घर जो है महिला के लिए सौदे का घर बन जाता है, क्यों। वन शुडंट लिव इन सच अ प्लेस, लोगों को ऐसे घर में नहीं रहना चाहिए, ऐसा घर जिसमें महिला को सौदेबाजी करके लाया गया हो, महिला को खरीद करके लाया गया हो, ठीक है, जहाँ पर महिलाओं की सौदेबाजी हो, वहाँ पर लोगों को, वहाँ पर नहीं रहना चाहिए ऐसे घर में। तो फादर ने कहा यू विल गेट द सेम रिप्लाइज
टू दीज क्वेश्चंस वेयर एवर यू गो, तुम जहाँ भी जाओगी यू विल गेट द सेम रिप्लाईज, तुम सेम रिप्लाईज, तुम सेम उत्तर पाओगी टू दीज क्वेश्चन, तुम्हारा जो ये क्वेश्चंस है, वेयर एवर यू गो, तुम जहाँ भी जाओगी तुम्हें यही आंसर मिलेगा। फिर पद्मा ने कहा, बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमेन इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, लेकिन महिला का जो आइडेंटिटी है वो तो इस ह्यूमन रेस का आइडेंटिटी है। मतलब ये जो मनुष्य जाति की जो रेस है, मनुष्य जाति का जो ये भागदौड़ है, उसमें महिला का पहचान उतना ही है जितना पुरुष का। जैसे कि दो पहिया वाला अगर कोई वाहन है, कोई साइकिल है, तो एक पहिया पे वो नहीं चल सकता। अगर दो पहिया पे ये संसार चलता है तो एक पहिया उसका महिला है तो दूसरा पहिया पुरुष है। एक भी पहिया उसमें से अगर खराब हुआ तो वो समाज, वो देश नहीं चल सकता है, वो गाड़ी नहीं चल सकती। अ सोसाइटी सेंस वुमेन, सेंस मतलब होता है विदाउट, एक समाज महिला के बिना क्या है, कुछ नहीं है। अगर किसी समाज में महिला अगर न हो तो वह समाज समाज नहीं हो सकता। समाज की कल्पना नहीं कर सकते हम, किसी परिवार की कल्पना नहीं कर सकते बिना महिला के। फादर ने कहा, दैट्स व्हाई दे से द मैरिज लेंड्स दिस आइडेंटिटी, उन्होंने कहा कि इसलिए शादी जो है वो महिला को पहचान दिलाता है, ताकि शादी के बाद महिला जो है वो समाज से जुड़ती है। तो पद्मा ने कहा, सो इफ अ गर्ल डज नॉट गेट मैरिड, अगर एक महिला मैरिज नहीं करती है, शादी नहीं करती है कोई लड़की, शी हैज़ नो आइडेंटिटी, उसकी कोई पहचान नहीं। व्हाट इज दैट, क्या हो, एन अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड एंड कॉल्ड ए सेंट, अगर कोई आदमी अनमैरिड है, अगर कोई आदमी शादीशुदा नहीं है, शादी नहीं करता है, तो हम लोग उसे साधु मान लेते हैं। वाइल, जबकि एन अनमैरिड वुमेन, एक जो महिला है वो अगर अनमैरिड है, शादी नहीं करती है, इज़ कॉल्ड इमोरल एंड वांटन, उसे पता नहीं, इमोरल कहा जाता है, अनैतिक कहा जाता है, और वांटन कहा जाता है, जिसे हम लोग गलत नेचर वाला कहते हैं, जिसे हम लोग बहुत ही गलत दृष्टि से देखते हैं, वो उसे कहा जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों, ये हमारे समाज में ऐसा क्यों है। तो यही था लेसन। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजा देना, और इस लेसन का और भी अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तो मैं अपलोड कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो।